कर दो ढोकला। बर्तन ला रहे हैं। तो गाइस देखिए ये आ गए हैं ढोकले वाले भैया। सचिन सैनी वाले हो? अच्छा, अब देखिए इसे मंदी हो रही है, तेज हो रही है। देखिए भाई टाइम हो रहा है 3:30। अब दूसरी वाली ना जलेगी भैया, इसे चला दो, सारी गैस लगा दो चारों तरफ। लगाओ भैया, खोलिए, चल जाए तो अच्छा ही है कम से कम। बता दे, समझा दे अम्मा को। समझा दो। क्या समझाया तूने? ये बता दे, नया चूल्हा आया ये बढ़िया वाला बजाज का। भैया बढ़िया करके चला देना। हाँ भैया, वीडियो में आ रहे हो तुम, इधर देखो, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। इधर तो देखो, किसी को अगर करवाना होगा अपना ये वाला सिस्टम सही गैस स्टोव का, तो कर तो दोगे? देख रही है अम्मा। तो गाइस देखिए, अभी आ गया है हमारे यहाँ न्यू, ये देखो गैस स्टोव 3 बर्नर का है। और कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी है इसकी बजाज। ये देखिए गाइस, पुराना वाला काफ़ी ख़राब हो चुका था तो मैंने सोचा नया ले लूँ। और ये मैंने फुली ऑटोमेटिक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो ना ख़राब हो जाते हैं। और ये देखिए गाइस, ये वाला जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो गाइस देखिए, आज मैंने पहना रेड ही सूट, जो रेड कलर की किचन में हूँ मैं। और ये आ गया है मेरा किचन का गैस स्टोव, ये देखो। तो गाइस देखिए ये वाला है, और मुझे इसलिए अच्छा लगा ये क्योंकि 3 गैस स्टोव हैं। अब मैंने जो इवनिंग में काम होता है ना, एक साथ हो जाया करेगा, या चाय बना लो, सब्जी बना लो, खाना बना लो, दूध गर्म कर लो, तो बहुत जल्दी काम होगा, टाइम सेविंग रहेगा। और आपको बताती हूँ कि हमारा ना जो बजाज का माइक्रोवेव भी हमारा बजाज का है, तो मुझे मतलब कंपनी अच्छी लगती है। बताए तो भैया ने काफ़ी सारे थे कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। मैंने कहा नहीं भैया, बजाज का काफ़ी पुराना ब्रांड है और बजाज ही अच्छी कंपनी है, तो इसलिए मैंने बजाज का ही लिया है। क्योंकि एक बार ले लो बस, अच्छा ले लो, वो वाला थोड़ा सस्ता भी था। तो और गाइस देखिए, अब देखते हैं कैसा काम करेगा। संडे को तो देखो बहुत ही ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, सुबह से पैसा खर्च ही होता रहता है। तो गाइस बने रहना ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखाज डिजिटल डायरी। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? आई होप यू विल बी फाइन, यू विल बी हैप्पी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे टू यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और गाइस देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी मॉर्निंग से, तो बहुत सारा काम था। छत पर थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था, मतलब खराब सामान था, वो सारा वो कराया क्लीन, और पूरा दिन ऐसे ही हो गया है। प्लानिंग करते करते कि क्या क्या प्लानिंग करनी है, कब क्या करना है, कैसे मुझे अपने YouTube में जो सोशल मीडिया है उसको मेंटेन करना है, कैसे मुझे कोचिंग मेंटेन करना है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम होने वाला है 5:00, और मुझे मतलब एक दो स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम है, थोड़े बच्चे हैं एक दो क्लासेस के, तो उनको आज पढ़ाने जाना है अपने कोचिंग के लिए। अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे घर के चारों तरफ व्यू, इधर का दिखा, और इधर मौसम काफ़ी ऑसम हो रहा है गाइस। ये देखो मौसम में मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है सर्दी और ना ही गर्मी है, ये वाला मौसम बहुत ज़्यादा कूल लगता है। तो गाइस देखिए, नए चूल्हे पर मैं दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है। इसमें बन रहा है राइस, इसमें बन रहा है घी, माखन मतलब जो निकाला था मैंने उसको मेल्ट करके, इसमें बन रहा है पनीर, क्योंकि आज बनेगी पनीर की भी सब्जी। तो गाइस देखिए, ये डाला मैंने वाइट सिरका, और इसमें बन गई है चाय, और ये उबल गए हमारे राजमा, ये वाले दिखाए दला के पास को, अभी बनेगी राजमा और राइस। और गाइस देखिए, उसमें बन गई चाय, ये है मेरी चाय। और गाइस देखिए, मैंने आज लगाया अपने कुंज बिहारी जी के लिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग, तो मिश्री नहीं थी मेरे पास, तो मैंने लगा दिया माखन और चीनी का भोग, तो बहुत टेस्टी लगता है ये माखन और चीनी, आप भी कभी खा के देखना, ठीक है? प्रियंक हेलो बोल यूट्यूब फैमिली का। हेलो हेलो। और यहाँ खड़े हैं ये जिगर बाबू सब्जी की तलाश में, और ये आ गए हैं सब्जी वाले भैया, और हमें लेना 500 रुपये घुरा ले भाई, सिक्के भी ले लेना। कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये देखो, और ये वाले ग्रेप्स ये देखो, अच्छा चला। और करेला भी आ गया, देखिए मेरे बाबू ने कर दिए हैं मेरे लिए ग्रेप्स, कह रहा है बुआ ये खाती चली जाना, बाबू तू भी तो ले ले। अभी मैं जा रही हूँ कोचिंग सेंटर, अच्छा लगा रेड कलर का सूट है ना, बताना आप भी कमेंट करके। गाइस ये है सनसेट पॉइंट, थैंक यू सिबू।
मेरे कोचिंग के स्टूडेंट ऑफ सेवेंथ क्लास फ्रॉम सेंट मैरीज एकेडमी, और ये बताएंगे मेरे बारे में। बोलिए चलिए। गाइस, जो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है और ये कोचिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले मैं जिस भी ट्यूशन से पढ़ता वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, ये वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। और तेरे को विश्वास नहीं करती है? धोखा करते हो कभी कभी, है ना? ये आ गया शांतनु पिज्जा लेकर, अभी हम खाएंगे पिज्जा और फिर करते हैं। इधर दिखाओ। और अभी हम खाएंगे पिज्जा और उसके बाद होगी हमारी स्टडी स्टार्ट फिर से। पिज्जा खाने के बाद फिर हम करते हैं स्टडी, क्योंकि अब लगने लगी है भूख। और आज थी मेरी ड्यूटी स्कूल में, 10th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम था, वहाँ भी हम वर्क कर रहे थे। अभी मैं निकलूंगी कोचिंग से और आज मैंने अपने अथर बाबू के लिए लिए हैं ये वाले केक और ये वाले बिस्किट्स, तो ये खाएगा मेरे राजकुमार, मेरा बाबू। टाइम हो रहा है 6 o'clock और ये है मेरे कोचिंग का व्यू। गाइस देखिए, ये देखो, ये है हमारे इंडिया का मैप और ये है वर्ल्ड मैप। आपको दिखाती हूँ कोचिंग का व्यू और कोचिंग के सामने ये देखो, ये देखिए गाइस कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखो, और ये खड़ा है शांतनु सोचते हुए, कुछ पढ़ाई हो गई है इसकी भी। ये देखो और आसमान गिरा। तो गाइस देखिए, अभी हमारा काम चल रहा है कोचिंग में और मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया। तो गाइस अब हो गया मेरा सारा काम कोचिंग का, अभी हम जाएंगे घर। और आज मैंने देखो कुछ नहीं पहन रखा है, क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा गर्मी है। मॉर्निंग में तो स्कूल में ठंड लग रही थी, तो मैंने एक मैडम का स्टॉल ओढ़ लिया था, लेकिन अब यह है कि आज मौसम अच्छा है, अब तो नहीं लग रही है सर्दी मुझे बिल्कुल भी। अभी हम घर जाएंगे। और गाइस देखो, ये वाली रोड ना, ये कौशाम्बी और सभी कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है गाइस, तो अभी चलते हैं घर। तो बने रहना गाइस ब्लॉग में। आ गए हैं हम शास्त्री नगर के मार्केट, सेंट्रल मार्केट, शॉपिंग करने के लिए। चीज लेगा मेरा बच्चा, हाँ मेरा राजकुमार चीज लेगा। गाइस आ गए हम शॉपिंग करने। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं शॉपिंग सेंटर शॉपिंग करने के लिए। और ये देखिए, ये है शास्त्री नगर में। तो गाइस अभी कर लिए हमने शॉपिंग और अभी चलते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम कैलाश डेयरी एंड स्वीट्स, और आप देखिए कितनी वैरायटीज की यहाँ स्वीट्स हैं। और ये देखो, और ये स्पेशल है यहाँ की पिस्ता बर्फी। ये देखिए गाइस, इधर काजू बर्फी है तो मतलब मिली जाती है, लेकिन पिस्ता बर्फी आज फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। और देखो कितने सारी, देखो काफ़ी वैरायटीज की स्वीट्स हैं और सभी देसी घी से बनाई गई हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है भैया, हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को, जय श्री राम। और गाइस देखिए कितने कलरफुल और कितने ब्यूटीफुल है ये वाले लॉलीपॉप, और मैंने बाबू के लिए ले लिया है, बाबू को काफ़ी पसंद आएगा। और ये है हमारे किंडर जॉयज, ये देखो। तो गाइस अभी हम चलते हैं, शॉपिंग कर ली, स्वीट्स भी ले ली बाबू को, और मैं दिखाती हूँ आपको मेरा राजकुमार बाबू के लिए चीज लाई है। मैं क्या कह रहा था, तो चीज लाई हूँ मैं तेरे लिए, देख इतना सामान। और मैं दिखाती हूँ बाबू, रुक जा रुक जा, अभी दिखाऊंगी, पहले ये दे दूंगी, है ना, ये ले ले लॉलीपॉप पहले, ये वाला। अच्छा माँ तो बोल दे एक बार, माँ। देखिए मैं अभी आ गई हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ,
मेरी दीदी हैं ये शास्त्री नगर में, अभी जाते हैं और सरप्राइज देंगे क्योंकि दीदी को बार बार दीदी फोन कर रही थी, मैंने फोन रिसीव नहीं। तो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के यहाँ। हेलो बोलो दीदी यूट्यूब फैमिली को। और अब हम जा रहे हैं घर, काफी टाइम हो चुका है। अच्छा मौसी को प्यार करेगा? अरे प्यारा सा बच्चा है ये। हाँ बच्चा। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं घर। टाइम की बात करते हैं तो टाइम हो रहा है 9:30। और देखिए गाइस ये है अनुज बाबू की कार, ये देखिए कितनी प्यारी है। हेलो बोलो यूट्यूब फैमिली को अनुज, हेलो बोलो। और गाइस देखिए ये है मेरा बेटा और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ, उसकी कार पे ये लिखा हुआ देखते हैं। बाय दीदी, बाय अनुज, हाँ टाटा। और